आज हम बात करेंगे 16x27 फीट प्लॉट साइज़ की प्लानिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको घर के सब एरिया की डायमेंशन के साथ जानकारी दूंगा और इसका 3D व्यू भी दिखाऊंगा। इसके साथ में वीडियो के लास्ट में घर के मिरर से जुड़ा एक ऐसा वास्तु टिप भी दूंगा जो आपकी लाइफ को ईजी बना सकता है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर से देखें। हेलो दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट अतुल सिंह आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस प्लॉट के तीनों तरफ मकान हैं, तो लाइट और वेंटिलेशन हमने उसी के अकॉर्डिंग मैनेज की है। इस साइज़ के प्लॉट की प्लानिंग बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, तो घर बनाते समय साइज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। ये घर का फ्रंट साइड है, गेट 5x9 फीट का है, ग्रीन वाला एरिया पोर्च एरिया है, इसमें हमने स्टेयर एरिया भी दिया है। पोर्च एरिया से ड्राइंग रूम और लॉबी दोनों की एंट्री दी है। ड्राइंग रूम हमारा 8x9 x 11x4.5 का है, इसका वेंटिलेशन घर की फ्रंट साइड से हो रहा है। ड्राइंग रूम और लॉबी को आर से कनेक्ट किया है कि घर का साइज़ लार्ज और ओपन लगे। लॉबी हमारी 10x1.5 x 6 फीट की है, इसमें हमने ओपन किचन बनाई है। किचन 4x9 x 6 फीट की है। इन सब का वेंटिलेशन लॉबी वाली विंडो से हो रहा है। ये हमारा बेडरूम है, इसका साइज़ 10x10.5 x 8x7.5 का है, इसमें हमने फुल साइज़ विंडो यूज़ की है और वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए 4x2 फीट का OTS दिया है। 4x6x3 का टॉयलेट है, इसकी पोजीशन ऐसे रखी है कि घर के सभी एरिया से इसकी एक्सेस हो सके। इसका वेंटिलेशन OTS से है। आइए एरिया का साइज़ और स्पेस समझने के लिए इसका 3D व्यू देखते हैं। ये प्लान का टॉप व्यू है, ये हमारा पोर्च एरिया, लॉबी और ड्राइंग रूम की सेपरेट एंट्री, ये ड्राइंग रूम वाला पार्ट, ड्राइंग रूम की विंडो, लॉबी और ड्राइंग रूम का आर्च वाला पार्ट, ओपन किचन, हमारा बेडरूम, बेडरूम में फुल साइज विंडो, OTS, टॉयलेट वाला पार्ट, ये हमारा कमोड वाला एरिया, बेसिन एरिया, ये हमारा बाथिंग एरिया। इस प्लॉट की प्लानिंग हमने इस तरीके से की है कि आप सारी स्पेस का यूज़ पूरी तरीके से करें। इस साइज़ की प्लानिंग में आपको कलर, साइज़ और इंटीरियर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए मैंने इसके इंटीरियर की एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। आज का वास्तु टिप, आपके घर में दक्षिण दिशा में लगा मिरर हमेशा आपको अशुभ रिजल्ट ही देगा। अगर आपके घर में कहीं भी दक्षिण दिशा में मिरर लगा है या रखा है, तो उसे तुरंत हटा दें। धन्यवाद।